हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज जेनेटिक डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय एब्सेंस एक्सेस और abnormal arrangement of number of the chromosome। ठीक है, वन और मोर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये कोज होते हैं किसकी वजह से? या तो उसके अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो अब्सेंस हो जाए, ठीक है, या नंबर ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ जाए, या फिर जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का वो क्या हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, वन और मोर क्रोमोसोम्स का, ठीक है, या तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है, सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो बढ़ गए, ठीक है, कम हो गई, तो वो क्या होता है? उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अभी जो एबनॉर्मलिटी आती है, ये वाली कंडीशन जो एबनॉर्मलिटी आती है वो किसकी वजह से आती है, कॉजेज क्या है इसके? तो इसके दो कॉजेज होते हैं। फर्स्ट तो होता है ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी और सेकंड आता है ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इस टाइप के, जिसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे हैं, तो वो जो डिसऑर्डर होते हैं वो या तो एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स हो गया, या फिर एक्सेस हो गई, ज्यादा बढ़ गई, या फिर उसका जो अरेंजमेंट है उसके अंदर क्या आ गई? एबनॉर्मलिटीज आ गई, तो इसकी वजह से ये कॉज होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये मेन रीजन क्या है इसका, कि या तो एनिप्लोइडी हो गई कंडीशन वहां पे, या पॉलीप्लोइडी होगी। तब जो एनिप्लोइडी और जो पॉलीप्लोइडी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एनिप्लोइडी क्या होती है। एनिप्लोइडी का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम जो है उसके अंदर या तो गेनिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाए या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो क्रोमोसोम है इसके अंदर देखो एक कंडीशन आती है 2n वाली, इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आपको पता है, तो या तो इसके अंदर से एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कम हो जाए, ठीक है, या दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घट जाए। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर से क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 में से घटेंगे, ठीक है, डिप्लोइड कंडीशन में। लेकिन जो पॉलीप्लोइडी आता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो 2n है उससे सेट ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ जाए, 3n हो जाए या 4n हो जाए, तो वो एक बात अलग है। ठीक है, क्लियर। तो उसके अंदर क्या है कि सेट ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है वो ही बढ़ेंगे, सेट नहीं बढ़ेगा यहाँ पे या कम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर गेनिंग और लॉसिंग जो हो रही है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर गेन और लॉस हो रहे हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। जैसे 46 क्रोमोसोम्स है तो इसकी जगह क्या हो गया, अगर घटता है तो भाई एक कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर 47 हो गए, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स हो गए, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है कि जिसके अंदर लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम के नंबर लॉस होते हैं, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो या तो 45 हो गए या 44 हो गए, तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एनिप्लोइडी। अब ये जो एनिप्लोइडी होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है, एनिप्लोइडी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी, तो मोनोसोमी जो कंडीशन है या जिसको मोनोसोमी कंडीशन भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है, तो 2n से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो इसमें से एक कम हो गया तो कितना हो गया,
45 क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो आती है उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। तो जो ट्राइसोमी होता है ट्राइसोमी कंडीशन के अंदर क्या आता है कि जब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो है सिंगल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसके अंदर कंडीशन आ जाती है 2n+1, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 46 तो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, प्लस एक बढ़ जाएगा तो 47 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब क्या होता है कि एक नलीसोमी भी होता है, ये जो नलीसोमी होती है इसका मतलब होता है कि जो दो क्रोमोसोम्स नंबर कम हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2n-2 हो गया, तो नंबर ऑफ द टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46-2 = 45। तो इस कंडीशन के अंदर 45 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो जो एनोप्लोइडी होती है वो तीन टाइप की होती है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी का मतलब होता है कि जब सिंगल क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है तो 2n-1 कितना हो गया, 45 हो गया। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सिंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, 2n+1। तो कितना हो गया, 46+1 = 47 हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि जो नलीसोमी होती है उसके अंदर दो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, तो इसके अंदर क्या आ गया, 46-2 = 45 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एनिप्लोइडी। अब जो नेक्स्ट आता है पॉलीप्लोइडी। फर्स्ट होता है ये जो कोज होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम और ज्यादा कैसे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमेटाइड बोल सकते हैं, क्रोमेटिन, अब जो हमारे पास ये क्रोमेटिड्स होते हैं इस टाइप से जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है कि भाई ये जो होता है सेपरेट होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के अंदर जो फर्स्ट स्टेज आती है जिसको आप प्रोफेज बोलते हो, फिर मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज आती है, फिर टेलोफेज आती है। तो मेटाफेज के अंदर ये बिल्कुल फिटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, एनाफेज के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं यानी सेपरेट होते हैं। तो जब यहां सेपरेशन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है क्रोमोसोम्स होते हैं या तो बढ़ जाएंगे, तो एक सेल्स के अंदर तो कम हो जाएंगे, दूसरी के अंदर बढ़ जाएंगे। इस टाइप से फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स की वजह से जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनिप्लोइडी। अब एनिप्लोइडी के बाद जो आती है उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। जो सेकेंड कंडीशन है जिसकी वजह से बीमारी कॉज होती है, डिजीज कॉज होती है, उसको हम बोल रहे हैं पॉलीप्लोइडी कंडीशन। तो पॉलीप्लोइडी का मतलब होता है कि व्हेन द सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल, ठीक है। तो जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम ही क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गया, उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ द सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स गेट चेंज्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई नॉर्मल कंडीशन होती है 2n, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है कि भाई जो ह्यूमन बींग्स होता है उसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि डिप्लॉइडी कंडीशन होती है ये, ठीक है। अब जो डिप्लॉइडी कंडीशन होती है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि डिप्लॉइडी से ट्राइप्लॉइडी भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो ट्राइप्लॉइडी है उसके अंदर क्या है कि सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स ही बढ़ जाएगा। हम सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे, हम सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कंडीशन कैसी आ जाएगी, 3n कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल क्या था, 2n कंडीशन थी, तो यहां पे क्या आ गया, 3n आ गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, भाई सेट ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ गया है तो क्या आ जाएगा, 4n कंडीशन आ जाएगी। तो इस टाइप से जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लोइडी कंडीशन, ठीक है। ट्राइप्लोइडी के अंदर, डिप्लोइडी के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 20,
थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अब जो ट्राइप्लोइडी है उसके अंदर 2n की बजाय 3n हो जाता है कंडीशन, और जो टेट्राप्लोइडी है उसके अंदर 2n की बजाय 4n हो जाता है। तो इस टाइप से जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर सिलेबस के अंदर सिर्फ एक दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। तो पहली बात तो क्या आती है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते क्या हैं? तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं, देखो ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इस 46 के अंदर 23 पेयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 22 जो पेयर्स होते हैं ऑफ द क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं कि वन पेयर जो हो गया वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या करता है कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इसके अदर सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर अलावा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, आपके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, आई जैसी होगी, हेयर्स इस टाइप के होंगे, स्किन का कलर ऐसा होगा, ये सारा जो फंक्शनल जो होता है ये ऑटोसोमल के अंदर होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यू क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्या करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के रेस्पॉन्सिबल होंगे, इट इज आइदर मेल इट इज आइदर फीमेल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, इस डाउन सिंड्रोम के अंदर एक डिजीज होती है ये, तो आपके जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही डिसऑर्डर दिया हुआ है जिसको आप डाउन सिंड्रोम बोलते हो, ठीक है। तो इस जो डाउन सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम का मतलब होता है, डाउन का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है उस पर इफेक्ट होगा। अब जो सिंड्रोम है, इस डाउन का मतलब ये नहीं होता कि भाई क्रोमोसोम नंबर डाउन हो गए, कम हो गए, नहीं। एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसके नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम रखा गया है। उस साइंटिस्ट का नाम था लैंडॉन डाउन। 1866 के अंदर इसने बताया था कि भी ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। तो लैंडॉन जो डाउन है, इस के नाम पे इसको रखा गया था डाउन सिंड्रोम, ना कि इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि डाउन का मतलब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डाउन हो जाते, नहीं, इसका मतलब सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। सिंड्रोम्स का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि ये जो बीमारी है इसके अंदर जब सिम्टम्स पढ़ेंगे हम तो बहुत सारे क्या आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे क्या आएंगे सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका होता है ग्रुप्स ऑफ द सिम्टम्स। तो ये जो डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है, ये पहली बात तो किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू एडिशनल क्रोमोसोम ऑन ट्वेंटी सिक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आपको पता है कि 23 पेयर्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसके अंदर जो 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2n वाली जो कंडीशन है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब गेन हो गया, ठीक है। तो जब गेनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स होती है एक टाइप से, तो उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम जब बढ़ता है तो उसके अंदर नंबर क्या हो गए यहाँ पे 47 हो गए। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट है, 2n प्लस 1 किसका रिजल्ट था, ट्राइसोमी का कंडीशन। तो ट्राइसोमी जो हमने पढ़ा था, ट्राइसोमी का मतलब होता है कि जब एक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हम क्या, ट्राइसोमी कंडीशन। तो ट्राइसोमी की वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर डिजीज कॉज होती है, डिसऑर्डर कॉज होता है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्राइसोमी हो रही है, इसकी वजह से अभी ट्राइसोमी है। किसकी क्या रीजन है इसका? ट्राइसोमी जो है इसके अंदर आपको पता है कि एनिप्लोइडी हो रही है, एनिप्लोइडी की वजह से ही तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल्स ये बीमारी किस वजह से होती है? अब देखो कोई फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, तो उस फीमेल के अंदर क्या होता है कि 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। अब 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है तो इसके अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होगा तो इस ओवम के अंदर कितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आने चाहिए? 23 आने चाहिए। लेकिन इस 23 के ना आए, 23 की बजाय यहाँ पे 24 ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाए तो एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। और जब ये फ्यूज करेगा किसके साथ? मेल के जो स्पर्म होते हैं उसके साथ। अब स्पर्म जो है उसके पास से ये फ्यूज करेगा तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने आएंगे? 47 आएंगे, क्योंकि 23 जो पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स है इसके अंदर कितना आएगा? 46 आएगा। तो इसके अंदर 23 तो ऑलरेडी थे, 23 पेयर्स के अंदर थे, सॉरी ये पेयर लिख दिया है हमने, तो क्या आएगा? 46+1 आएगा कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये पेयर्स के अंदर है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक कर लेना इसको। अब क्या है कि भाई जब फ्यूजन होगा उसका, क्योंकि उसके पास तो कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स है, और स्पर्म जब बनता है तो उसके अंदर क्या आता है? 23 आया। तो ये जो 23 जब ओवम बना है तो उसके अंदर क्या आएगा? 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपको पता है कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आने चाहिए थे यहाँ पे। अब 23 की बजाय यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स बढ़ गया है तो 24 क्या हो गए यहाँ पे? क्रोमोसोम्स बढ़ गए। अभी 24 जब क्रोमोसोम्स बढ़े हैं तब ये अगर फ्यूज करेगा किसके साथ? ये मेल का स्पर्म है उसके साथ, तो उसके अंदर ऑलरेडी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने आएंगे? 47 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो बीमार डिसऑर्डर होता है उसके अंदर जब सिंगल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है? फर्स्ट, पहली बात तो ये आती है कि इसको हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं। अब जब ये बीमारी होती है तो इसके अंदर ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्यों बोला जाता है? तो आपको पता है कि 21 पेयर पे जो 21 जो क्रोमोसोम नंबर है उस पे क्या हो रहा है? एक एडिशनल क्रोमोसोम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ऑटोसोम्स के अंदर भाई 23 तक तो क्या होते हैं पेयर्स पे, 23 जो है उसके अंदर 22 पेयर्स किसके होते हैं? ऑटोसोम्स के होते हैं, और इसके 21 पेयर्स पे क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो ऑलरेडी क्या है? ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे मेनली इसके अंदर मतलब मेनली चिल्ड्रंस को होता है ये डिजीज जो होती है, तो उसके सिम्टम्स ही पढ़ेंगे हम कि उसके अंदर क्या क्या डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर हम बात करें कि जो मेल है उसके अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आएगा वो 45+, ठीक है, क्या होगा? 45+ एक्स वाई, तो टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 47 हो गए। अब जो फीमेल है उसके अंदर क्या होगा? 45+ XX, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 47 हो गए। अब क्या होता है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है तो ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है, ठीक है, दोनों को हो सकती है ये जो डिजीज होती है ये। अब इसके अंदर हम जो डाउन सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं कि सिम्टम्स जो है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले सिम्टम्स आता है कि उसका जो फेस होता है वो राउंड फेस मिलेगा, जो चिल्ड्रन होगा बेबी होगा उसका क्या मिलेगा? राउंड फेस मिलेगा, ठीक है, उसका फेस अजीब सा ही राउंडेड सी स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि उसका जो फोरहेड होगा वो ब्रॉड फोरहेड होगा, यानी उसका जो माथा मिलेगा वो क्या मिलेगा? थोड़ा चौड़ा मिलेगा, ठीक है, अजीब सा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तीसरी आती है कि उसके जो हेयर्स मिलेंगे वो स्ट्रेट मिलेंगे, ठीक है, तो जो हेयर्स होंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रेट हेयर होंगे, ठीक है, नॉर्मल नहीं मिलेंगे, अब नॉर्मल हेयर्स मिलेंगे, स्ट्रेट मिलेंगे आपको। उसके बाद क्या होता है, प्रोट्रूडिंग टंग मिलेगी उसकी, ठीक है, टंग जो होगी वो अजीब सी टंग होती है, लंबी सी होती है, और इस टंग के अंदर क्या मिलेगा? फेरोज मिलेंगे,
ठीक है, जो ये टंग है इस टाइप से, ठीक है। तो टंग पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फेरोस मिलेंगे एक प्रकार से, जो गड्ढे होते हैं यू यू से, तो वो फेरोस का मिलेगा इस टंग पे। नेक्स्ट क्या होता है, इसका जो माउथ मिलेगा वो पार्शियली ओपन मिलेगा, तो माउथ क्या मिलेगा इसका, पार्शियली ओपन माउथ मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि भाई जो आई लीड्स होंगे उसके उसके अंदर फोल्डेड टाइप में होंगे, आई लीड्स फोल्डेड होंगे, ठीक है। तो उसकी जैसे इस टाइप में मिलेगी कि परमानेंट, तो मुंह क्या मिलेगा, ओपन्स मिलेगा, और जीभ थोड़ी सी लटकी हुई टाइप में मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि भाई जो आई लीड्स होंगी वो फोल्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। और जो लोअर लिंग होगा उसका, लोअर जो लिप होगा उसका, जो लिप होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप से मिलेगा, ठीक है। शेप मतलब थोड़ी सी मोटे टाइप में या कैसे भी अजीब से होता है। दूसरा जो इसके अंदर हार्ट होता है, हार्ट और अदर ऑर्गन्स होते हैं वो एबनॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेली गोनेट्स जो होते हैं, जैसे इसके अंदर ओवरी होती है, टेस्टिस होती है, ये सारे के सारे अनडेवलप्ड होते हैं, मतलब डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या होगा, लोअर होगा, लोअर आईक्यू लेवल, ठीक है, मतलब बिलो 40 हो सकता है, ठीक है। तो उसका आईक्यू लेवल भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये क्या होता है कि भाई ये वाले जो डिजीज है, इसको हम डाउन सिंड्रोम को, एक इसका नाम बताना भूल गए हम, इसको मंगोलियन डिजीज भी बोलते हैं, मंगोलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम था। नेक्स्ट अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है या सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोसोम के अंदर, ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर है उसके अंदर, सब सिलेबस के अंदर एक ही दिया हुआ, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप की जो डिसऑर्डर्स है उसको उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज। तो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज जो है इसके अंदर सिलेबस के अंदर दो दिए हुए हैं, टर्नर सिंड्रोम्स और दूसरा क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। तो इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो टर्नर सिंड्रोम जो है इसका नाम टर्नर सिंड्रोम क्यों रखा गया था, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट था हेनरी टर्नर, इस साइंटिस्ट ने, हेनरी टर्नर ने इसको डिस्कवर किया था इन 1938। अभी जो टर्नर है, जो टर्नर सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली फीमेल के अंदर कॉज होती है, मेनली इन फीमेल, और फीमेल के अंदर भी क्या होता है कि जो मोनोसोमी हो जाती है, मोनोसोमी, मोनोसोमी कंडीशन क्या थी कि बे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो जो एक क्रोमोसोम्स कम होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अब क्या है कि भाई मेनली अगर फीमेल्स के अंदर बात करते हैं, तो फीमेल्स के अंदर आपको पता है कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं और प्लस वन पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर 44 प्लस ऑटोसोम्स तो होते ही हैं, प्लस में एक एक्स होता है और जीरो, यानी कि एक जो एक्स था यहां पे वो क्या हो जाता है, यहां पे एब्सेंट हो जाता है,
ठीक है, और ये किसकी वजह से कॉज होती है, जो डिजीज होती है ये एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन की वजह से, ठीक है, एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन की वजह से कॉज होती है ये जो बीमारी होती है ये। अब यहां पे क्या होता है कि भाई जब एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ है यहां पे, तो जब एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ये डिजीज कॉज होती है। अब ये जो बीमारी होती है इसके अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर मेनली होती है, तो इसके अंदर जो फीमेल है उसके अंदर दो कंडीशन और आएगी यहां पे, कि जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है, एस्ट्रोजन जो लेवल होता है वो, और जो एफएसएच लेवल्स होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है इसके अंदर। तो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो लोअर हो जाता है यहाँ पे, और जो एफएसएच जो लेवल्स होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मतलब कि एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होता है, ठीक है, उसका लेवल तो लोअर हो जाता है, और जो एफएसएच होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, उसका लेवल जो होता है वो यहाँ पे हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है, मतलब इस बीमारी के अंदर इनका लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। और जो मेन रीजन है उसका कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इसके अंदर जो टोटल आते हैं वो 46 की बजाय यहाँ पे 45 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है। और इस सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी इसलिए बोल रहे हैं इसको, इसके अंदर एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स तो फर्स्ट आता है इसके अंदर रूडिमेंट्री ओवरी, तो रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब होता है कि जो अनडेवलप्ड ओवरी होती है, इसका मेन फीचर है कि उसके अंदर जो ओवरी होगी वो किस टाइप की होगी, रूडिमेंट्री ओवरी। तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है कि जिसके अंदर अनडेवलप्ड ओवरी की बात करते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि वो जो फीमेल होगी वो क्या होगी, स्टराइन फीमेल होगी, स्टराइन फीमेल होगी, यानी कि वो जो फीमेल होगी उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो देयर इज नो ओवुलेशन, ओवुलेशन भी इसके अंदर नहीं होगा फीमेल के अंदर जो है। दूसरा उसकी जो चेस्ट होगी वो ब्रॉड टाइप में होगी, थोड़ी सी चौड़ी होगी, ठीक है, देन नॉर्मल फीमेल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि उसकी वेब्ड नेक होगी, और वेब्ड नेक का मतलब क्या है कि भाई उसकी जो नेक है इस टाइप से, उसके अंदर एक्स्ट्रा फोल्डअप स्किन्स होंगे इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे स्किन्स जो है उसके एक्स्ट्रा फोल्ड्स होंगे, तो उस टाइप से एबनॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, इंटेलिजेंस होगा वो भी क्या होगा, इसके अंदर एबनॉर्मल होगा, इनके अलावा काफी और भी होते हैं कि उसके अंदर जो कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी होगी वो भी प्रेजेंट होगी उसके अंदर। जो कार्डियोवास्कुलर जो होती है, ठीक है, वो भी एबनॉर्मली होगी उसके अंदर। इसके अलावा क्या होगा, होगा उसका कि उसकी जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी, ठीक है, अप्रोक्स लेस देन 5 feet, ठीक है, 5 feet से कम होगी हाइट उसकी। तो ये जो डिजीज होगी इसको, इसके अंदर हियरिंग एबनॉर्मलिटी भी आती है, तो
तो ये सब जितने भी सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं माना जाता है उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम भी होगा। इस टर्नर सिंड्रोम के अलावा जो नेक्स्ट आता है जिसको हम क्लीन फिल्टर स्पीसीज बोलते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स बोलते हैं, तो नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास या नेक्स्ट डिसऑर्डर है। या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स तो जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है इसके अंदर ये मेनली मेल के अंदर होता है, ठीक है। और इसका जो डिस्कवरी की थी वो की थी डॉक्टर हैरी फिल्टर ने, तो इस वजह से इस बीमारी का नाम दे दिया जाता है क्लीन फिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। 1942 के अंदर आई थिंक इन 1942 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था डॉक्टर हैरी क्लीन फिल्टर्स की। अभी जो क्लीन फिल्टर्स बीमारी है इसके अंदर क्या होता है ट्राइसोमी होती है, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब होता है कि इसके अंदर जब क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास 44 ऑटोसोम्स होंगे प्लस मेल है तो उसके अंदर क्या होगा एक्स वाई होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ 46। लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर 44 प्लस एक्स वाई, तो इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स एक एक्स्ट्रा हो गया, 47 हो गया। लेकिन इन एक्सट्रीम कंडीशन इट में भी 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 49, यानी 44 प्लस XXXY, ठीक है, 48 और 44 प्लस XXXXY 49 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्या होता है एक्सट्रीम कंडीशन में ही ये केसेस के अंदर मिलेंगे आपको, वरना 47 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल एग का, ठीक है, किसके साथ, नॉर्मल स्पर्म के साथ, तो उस ड्यूरेशन ये जो एक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं ये हो जाते हैं इंक्रीज, तो ठीक है। तो ये इस टाइप से एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। अब ये जो डिजीज होती है, ये जो बीमारी होती है, इसके अंदर जो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सिम्टम्स जो है वो किस टाइप से होगा, इसके अंदर भी हॉर्मोनल जो लेवल होता है वो भी काफी ज्यादा एबनॉर्मल होता है, तो उसके अंदर जो FSH जो हॉर्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, और जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन हॉर्मोन्स उसका जो लेवल्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक बीमारी थी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जब मेनली मेल के अंदर होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर जो स्टेराइल मेल होता है वो, ठीक है, यानी कि वो ना फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अनडेवलप्ड टेस्टिस, स्मॉल पेनिस, तो अनडेवलप्ड टेस्टिस का मतलब क्या है कि जो टेस्टिस है वो अनडेवलप्ड होगी, डेवलप्ड नहीं होगी वो, ठीक है। अब मेन क्या है कि भाई जब अनडेवलप्ड टेस्टिस है तो उसके अंदर जो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा उसका जो पेनिस होगा बिल्कुल स्मॉल टाइप में होगा वो, ठीक है। और इसके क्या है कि ये एज ए जैसी इसकी वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो वॉइस जो होगी वो एज लाइक फीमेल होगी, ठीक है। उसकी जो आवाज होगी वो बिल्कुल फीमेल की जैसी होगी, और इसको हम बोलते हैं फेमिनाइन मेल, ठीक है।
क्योंकि जब कोई भी मेल जो होता है वो करेक्टर शो करता है फीमेल जैसा, तो उसको फेमिनाइन मेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मली जो ब्रेस्ट साइज होगा इसका, वो ब्रेस्ट क्या होगी, एनलार्ज होगी। नॉर्मली एनलार्ज ब्रेस्ट होती है फीमेल के अंदर होती है, लेकिन मेल के अंदर भी जो साइज होता है ब्रेस्ट का वो काफी एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। इससे खतरा होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होती है वो हो सकती है इससे, ठीक है। और जो अनलार्ज ब्रेस्ट होती है इसको हम बोलते हैं गाइनोकोमास्टिस। ये नीट में काफी बार पूछा गया है कि जिस मेल के अंदर जो ब्रेस्ट साइज होता है वो काफी एनलार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं गाइनोकोमास्टिस, ठीक है। अब जो गाइनोकोमास्टिस जो है ये कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ब्रेस्ट जो होती है वो नॉर्मली अनडेवलप्ड होती है मेल के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, हेयर्स ऑन बॉडी, मतलब कि हेयर्स ऑन बॉडी का मतलब क्या है कि एक प्रकार से फेस पे थोड़े से बाल होंगे ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा बाल होंगे गुच्छे की फॉर्म में, तो वो एक बीमारी होती है, वो सॉरी सिम्टम्स होता है, वो भी इसी का ही सिम्टम्स है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो फीमेल होती है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर्स होते हैं वो भी मेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो नी का साइज होता है, जो नी होता है वो नॉक नी होता है, मतलब कि आपको पता है कि भाई जो घुटने के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, इस टाइप से दो घुटने हैं उसके बीच में गैप होता है मेल में और फीमेल के अंदर थोड़ा सा गैप कम होता है, ये तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो गैप होता है ये बहुत कम रह जाता है, एक दो घुटने हैं उसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, तो वो इस टाइप से घुटने हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, टच होते हैं एक दूसरे से, तो ये नॉक्ड की बोलते हैं इसको हम। दूसरा इसके अंदर जो बोन्स होगी वो वीकर बोन्स होगी, बोन्स क्या होगी, वीकर बोन्स होगी। इसके अलावा जो मसल्स मास होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे क्लीन फिल्टर सिंड्रम्स के, तो आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।